दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप जिम जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको रोज लगभग 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, वो भी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको लगभग रोजाना 90 ग्राम से लेकर 120 ग्राम प्रोटीन खाना होता है, नहीं तो आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। और अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो आपको लगभग 1 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही चाहिए। मतलब अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको लगभग 60 ग्राम के आसपास प्रोटीन लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे सस्ते प्रोटीन फूड्स जिसको खाकर आप बहुत ही कम पैसों में आप अपनी बॉडी को बना सकते हैं। इस वीडियो में 5 सबसे सस्ते प्रोटीन फूड बताऊंगा और जो शुरुआत में करूंगा वो महंगे फूड से करूंगा, फिर धीरे धीरे 5वें नंबर पर आपको सबसे सस्ता फूड मिलेगा जो आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन देता है। आइए, सबसे पहले फूड में सबसे पहले नंबर पर है वो है एग, यानी कि अंडे। आपको पता होगा कि जो अंडे हैं वो बहुत ही गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। आपको एक ट्रे अंडा यानी कि 30 अंडे लगभग 150 रुपये के आसपास पड़ जाएंगे, मतलब कि आपको एक अंडा 5 रुपये का पड़ जाएगा। एक अंडे में आप लोगों को पूरे 6 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं, यानी कि पूरे येलो पार्ट के साथ खाते हो तो 6 ग्राम मिलेंगे, मतलब 1 रुपये में आपको 1.2 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले फूड की, जो कि वो है पीनट, जिसको हम मूंगफली भी बोलते हैं। मूंगफली बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, उसके साथ में बहुत ही अच्छे फैट का। अगर आप मूंगफली को खाएंगे तो आप लोगों को मूंगफली 14 रुपए में 100 ग्राम मिल जाएगी, और 100 ग्राम मूंगफली में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, यानी कि 1 रुपए में आपको 1.7 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। इसके बाद अगले फूड की बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं दाल। दाल हम सभी लोग खाते हैं। क्या आपको पता है कि उड़द की जो दाल होती है वो आपको 12 रुपए में 100 ग्राम मिल जाएगी, और 100 ग्राम दाल में 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, यानी कि 1 रुपए में आपको 2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगली फूड की बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं चना। जो काला वाला चना होता है वो आप लोगों को 10 रुपए से 11 रुपए में 100 ग्राम मिल जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप 100 ग्राम चना खाते हैं, जो कि आपको 1 रुपए में 2.1 ग्राम प्रोटीन देता है, जो कि काफ़ी सस्ता सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये कुछ फूड हैं जो आपको सस्ते पड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे फूड की जो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इस फूड में आपको बहुत कम पैसे में प्रोटीन मिल जाएगा और आपकी बहुत बचत होगी। इस फूड का नाम है सोयाबीन। सोयाबीन का नाम हम सभी ने सुना होगा। क्या आपको पता है कि जो सोयाबीन हम लोग जो खरीदते हैं वो 120 रुपए किलो, यानी कि 12 रुपए में आपको 100 ग्राम सोयाबीन मिल जाएगा, और आप लोगों को 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 36 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, मतलब कि 1 रुपए में 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान देना है, सोयाबीन हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अगर आप रोज़ सोयाबीन खाने की सोच रहे हैं तो इसे ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। सबसे बेहतर होगा कि एक दिन छोड़कर एक दिन आप 50 ग्राम तक सोयाबीन खा सकते हैं। इससे ज़्यादा सोयाबीन आपके लिए अच्छा नहीं होता, यह आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस करता है। इसलिए अगर आप प्रोटीन सोर्स के लिए सोयाबीन का यूज़ करना चाहते हो तो एक दिन छोड़कर एक दिन 50 ग्राम से ज़्यादा सोयाबीन नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ फूड्स हैं जो आप इस्तेमाल करके सस्ते में अपने बॉडी बना सकते हैं। एक आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, अगर रोज़ आपने उसे कर लिया तो समझो आपके शरीर की लगभग 50% प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। रात को क्या करना आपको कि एक मुट्ठी मूंगफली, लगभग 50 ग्राम मूंगफली, 1 से 2 मुट्ठी चना, लगभग 50 से 60 ग्राम चना डाल दीजिए, 5 से 6 बादाम डाल लीजिए, बादाम भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, साथ ही इसमें काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एक मुट्ठी किशमिश ऐड कर दीजिए। किशमिश दोस्तों आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो खून की कमी नहीं होने देता। इन चारों चीज़ों को आपको पानी में भिगोने हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि मूंगफली को अलग पानी में भिगोना है और चना, किशमिश और बादाम को अलग पानी में भिगोना है, और रोज़ सुबह उठकर बादाम के छिलके निकालकर इन्हें चबा चबा कर खाना है। कई लोगों को चना डाइजेस्ट नहीं होता तो उनको क्या करना है कि फ्राई पैन में हल्का सेंक लेना है। आप किशमिश को बाहर निकाल दीजिए और बादाम को बाहर निकाल दीजिए, चना और मूंगफली को हल्का सेंक लीजिए। इसमें तेल नहीं डालना है, बस आपको हल्का सेंकना है, और सेंक कर अगर खाओगे आप तो इसे डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आपका शरीर, आपका पेट अच्छे से पचा लेगा। आप इस तरह इसे खाते हो तो शरीर की काफ़ी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आप चाहो तो एक दिन छोड़कर एक दिन इसमें सोयाबीन भी ऐड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स में बताना, और ज़्यादातर वीडियो को लाइक करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।